और यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं देखने के लिए जो लाल किला यानी कि रेड फोर्ट अंग्रेजी में अंग्रेजी में रेड फोर्ट, हिंदी में लाल किला। माशा किसने बनवाया था ये नहीं पता, लेकिन मुगलों के टाइम का है। देखो ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, सामने आपको सिक्योरिटी गार्ड दिख जाएगा, उसकी छावनी पड़ी है। यहाँ से ये है एंट्री, वहाँ पर जो है नुमाइश भी लगी हुई है। फिल वक्त हम लोग यहाँ पर जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग जो है फोटो खींच रहे हैं। हाँ और ये देखिए तोप, ये है जो तोप है, ये तोप है और ये फोर्ट किला है सारा। देखो कितना बेहतरीन जगह है। और यहाँ पर ये जो है ये खाई बनी हुई है जिससे दुश्मन अंदर ना आ सके। और ये देखो ये सब लोग आ चुके हैं हम लोग, और ये मैं हूँ, और ये लाल किला, बहुत खूबसूरत है लाल किला। आप लोग दिल्ली आए तो लाल किले ज़रूर आए, लेकिन बैग लेके बिल्कुल भी ना आए। अभी हम लोग लाइव अंदर जो है चलाएंगे, यह लाइव लाल किले का नज़ारा। ओहो हो हो, ये देखो कितना बड़ा गेट है, ये गेट है, बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। देखो यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है, तो मेरा भी बना लेना। यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है, अरे अरे आ यार फोटो ना खींचो। यहाँ पर जो है सब ये देखो सब लिखा है, कब बना के ऐसा किया सारा, ये देखो धरोहर है, तो रास्ता नहीं है, कहाँ से आ गया। ये देखो कितना अंदर, कितनी खतरनाक एंट्री। यहाँ पर मार्केट भी है, लाल किले में मार्केट भी लगी हुई है अंदर में। ये देखो आप लोग देखो ये मार्केट भी लगी हुई है, पूरा जो है मार्केट बना हुआ है ना, पूरा मार्केट बना हुआ है। देखिए सारा मार्केट और काफ़ी दूर तक बना हुआ है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही। और अभी हम लोग दिल्ली में हैं और अब यहाँ से शाम में जो है निकलेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग अजमेर की तरफ रवाना होंगे, अजमेर शरीफ की तरफ। यहाँ देखिए पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हाँ ये देखो ये कितनी जो है कला है, ये मुगल काल के ज़माने की है ना। और ये दुकानें वगैरह हैं यहाँ पर, थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए कितनी जो है उस टाइम की ये कारीगरी है, डिज़ाइन वगैरह भी देखो दुकान में लोगों की, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला यहाँ पर। और काफ़ी जो है बाहर के लोग भी आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। किले के अंदर पहली बार आया मैं, ठीक है बेहतरीन है, ठीक थोड़ा सा। काफ़ी अब आ गए हम लोग दिन में यहाँ पर, तो ये देखिए ये लाल किला। मैं जगह अपनी म्यूज़ियम, अभी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर हो सकता, हाँ म्यूज़ियम ही है, हम लोग जा रहे हैं फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से जो है म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पर जो है बाहर नहीं म्यूज़ियम, यहाँ भी कुछ दुकान वगैरह है, ये सब जो है ओके से। ये जो है किले की अंदर हम लोग हैं, वहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है, अभी जो है इस तरफ अंदर की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर जो है म्यूज़ियम बना हुआ है।
ना, और ये बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किला काफ़ी बड़ा है, हम लोग इतनी जल्दी नहीं घूम सकते। और आओ, ये जो है म्यूजियम है, यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थक चुके हैं। ये फोटोग्राफी हो रही है, सामने एक और म्यूजियम बना हुआ है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस तो होगा। बवाल है ये, चाइनीज जा रहे हैं और वो अंग्रेज जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है किले का कोई म्यूज़ियम बता रहे हैं ये, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या है, मैं पहली बार आया हूँ। तो वहाँ पर पूरा किला बना हुआ है, और ये हैं तौहीद हाफिज़ जी, और ये हूँ मैं बहुत पहली बार आया हूँ। और हम लोग फ़ोटो ही खिंचवाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या गेट बना हुआ, वाह, ये जो है बहुत नौबत खाना है, ये है नौबत खाना। अब पता नहीं इसमें कैसी नौबत आती थी, नौबत खाना बता रहे। वहाँ सामने पे जो है म्यूजियम है, वो सामने पब्लिक देखो कितनी बड़ी बनी है। ये देखो यहाँ काफी ठंडक है, ये देखो आप थोड़ी रोशनी बढ़ा ली है, ये देखो कितनी बेहतरीन डिजाइन है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये भी डिजाइन है, बूढ़े यहाँ देखो सामने जो है लाल किला मौजूद है अपना, मतलब सामने जो है वो गेट है जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। हाँ, यहाँ पर ये लोग फोटो ही खिंचवा रहे हैं, हमारी बेइज्जती। यहाँ से जो है वो गेट से गे। बेहतरीन जगह है, खूबसूरत जगह। और अगर आगे जाएंगे तो आगे जो है म्यूजियम, चलो म्यूजियम है। चल रहे हैं अब हम लोग म्यूजियम की तरफ, हौले हौले कदमों से बढ़ते हुए। बस पूरे फोटो ही खींच लेना, हमें लग रहा मोबाइल वोबाइल ना ख़राब हो जाए। ये फोटो खिंचवा रहे हैं और ये खींचने वाले हैं सबका, हो गया है। अब हमको यहाँ से, अब हमारा भी खींच लो, हम यहाँ से इनका फोटो बना, सब लोग खड़े हो, खींचो खींचो, बहुत बेहतरीन भाई साहब फोटो खींच रहे हैं अनवर भाई। हाँ, और ये वहाँ पे बार बार फोटो खिंचवा रहे हैं लोग कम वक्त। अब यहाँ से जो है म्यूजियम का सिस्टम है, वो मार उसको मारेगा, वो फूल खा रहा टोल टोल के। ये छोटी तोप है जनरेटर यानी की, और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह है, और यहाँ पर ये सब है मोहलत का है, मोहलत जगह कौन सी है वो वाली है। और आगे म्यूजियम छोटा सा, और हम लोग यहाँ से जा से अभी हम लोग वहाँ गए थे नौबत महल जो बोल, उसके बाद अब यहाँ से जो भाई आगे जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा घूमेंगे, फिर उसके बाद और भी कहीं जाना हुआ तो जाएंगे और वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे। और उसके बाद जो है ये अंग्रेज हैं और ये भी अंग्रेज हैं, हम लोग जो है यहाँ घूमने के बाद जल्द ही और यहाँ घूमने के बाद हम लोग जो है फिर अजमेर शरीफ जाएंगे, और हो सकता है और कहीं भी जाएंगे। फिलहाल हम लोग जो है किले के अंदर हैं, और थोड़ा सा पानी वगैरह यहाँ पर चला,
है, यहाँ पर कोई गेट वगैरह बना है। यहाँ पर देखिए ये अंदर है म्यूज़ियम के, किले के अंदर का ये नक्शा है, बहुत अच्छी जगह नक्शा है। ये बहादुर शाह जफर की तस्वीर है और नाना साहेब की तस्वीर है यहाँ पर, है ना। ये प्रथम महासंग्राम, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, प्रथम महासंग्राम इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर ये देखिए कि खाली यहाँ पर जो है सिर्फ तस्वीरें बनी हुई हैं, रानी लक्ष्मीबाई की है तस्वीर और यहाँ लिखा हुआ है यहाँ कुछ और देख रही हैं। और आगे हम लोग चलते हैं अभी, और चलो आओ। और यहाँ पर ये म्यूज़ियम है, ये जो है म्यूज़ियम अच्छी है, ये औपनिवेशिक ये सब चीज़ें। और ये स्वॉर्ड है यानी कि तलवार है, ये यहाँ पर तलवार है इनकी है, ये देखना पड़ेगा। ये आप देख, ये तलवार है, ये तलवार है नाना साहेब पेशवा की तलवार है, है ना। ये जो है देखो ये है नाना साहेब पेशवा की तलवार है, और यहाँ पर उस वक्त के उस टाइम पे ये सारे जो है तीर कमान वगैरह ये सीनिंग है। ये बहादुर शाह पाउडर हॉर्न लिखा हुआ है, ये तीर है, और यहाँ पर 1857 की ये समाचार पत्र है। ये 1857 के समाचार पत्र अभी हम लोग वहाँ से चलेंगे, अभी मैं बैक कैमरा कर लेता हूँ। ये देखो ये म्यूज़ियम है, यहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई, यहाँ पर हिस्ट्री की पूरी जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री वो सब बताया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में तस्वीरें चलती हैं और पूरी जो है हिस्ट्री बताई जाती है। अभी बंद कर दिया गया, ये देखिए मैप आ गया है। चलिए अभी हम लोग इधर देख लेते हैं, यहाँ देखिए राज हड़पने की नीति, ये सब जो है हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, है ना। यहाँ तो काफ़ी दिक्कत हो रही है रिकॉर्डिंग में क्योंकि अंधेरा सा है। और ये देखिए आप लोग बहादुर शाह जफर का कलमदान यहाँ पर ये रखा है, और ये सारे जो है उस वक्त के पेपर हैं, और ये 1857 के समाचार पत्र न्यूज़पेपर ऑफ 1857, ये सारे देखो उस वक्त किस तरह के न्यूज़पेपर हुआ करते थे। शाह जहानाबाद पुरानी दिल्ली का नक्शा है, ये देखिए आप लोग नक्शा, ये बना हुआ नक्शा है ना। बहादुर शाह जफर को लॉर्ड कॉलिन द्वारा पत्र गाय के बलिदान पर प्रतिबंध के बारे में ये जो है ये है पत्र। यहाँ पर धनुष और बाण, यहाँ पर ये धनुष है, देखो ये धनुष है, ये देखिए आप ये धनुष है, वहाँ पर बाण है, ये जो है पूरा उस वक्त के सामान है ये सारी चीज़ें। और यहाँ ये जो नाना साहेब पेशवा की जो है ये तलवार है, स्वॉर्ड है, है ना। और ये सब तस्वीरें हैं हिस्ट्री से सारी जो है व्यापार की, बहुत सारी ये हिस्ट्री की जो सब हुआ है उसका एक एक जो है विस्तार में यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, सब जो है बताया गया है, है ना। और ये जो को ये उस वक्त की है गुप्त खत, काफ़ी कुछ। हम लोग आगे चलते हैं और आगे में जो है वहाँ पर भी कुछ है, ये आगे पे थोड़ा सा वहाँ पर भी कुछ सामान रखा हुआ है। ये देखिए चलो दिल्ली चलो दिल्ली, ये कुछ तस्वीरें हैं, है ना। और यहाँ पर जो है ये पिस्तौल है, उस ज़माने की पिस्तौल पिस्टल है सब, देखो कैसी हुआ करते थे उस टाइम पे, इतनी इतनी है ना। चाकू वगैरह ये मतलब हथियार पे चल रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम का ये सब है। और उस तरफ खंजर रखा हुआ है, सारी जो है हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ पर ये देखें, ये राज ये जो है कुल्हाड़ी है, एक्स है, बैटल एक्स है। यहाँ पर जो है राइफल है, ये राइफल है और वो है वहाँ पर। यहाँ पर आपको ये जो है पिस्टल है, इसकी जो कैसे ये ओपन, इसकी जो नली थी ओपन उसी टाइम की है और लकड़ी वगैरह की बनती थी ये। ये सारी वैक्स है यानी कुल्हाड़ी, तो ये उस ज़माने का है जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे और मुग़लों की हुकूमत हुआ करती थी, जब हमारा देश आज़ाद तब भी ये चीज़ें हैं यहाँ पर म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और यहाँ कुल्हाड़ी वगैरह है और ये एक राइफल भी है, पिस्टल भी है, अलग अलग किस्म की पिस्टल है। और यहाँ पर देखिए आपको ये जो है ये खंजर वगैरह है, इससे जो है हाथों से लड़ाई होती थी, कम होती थी, उसमें यूज़ किया जाता था राजपूत खंजर। और यहाँ पर देखो पिस्टल जो है काफ़ी अलग अलग किस्म की है। और मैं भी दिखाई दे रहा है, बेहतरीन है, काफ़ी बेहतर है, मेरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब तस्वीरें उसी टाइम की, सारी तस्वीरें हैं। ये म्यूज़ियम बना हुआ है, ये रेड फोर्ट यानी लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में ये म्यूज़ियम।